तो भाई जैसा कि मैं इतने दिन से लगातार ये कहता आ रहा हूं ना कि यार इस वर्ल्ड कप में सब कुछ कुछ ज्यादा ही ठीक चल रहा है, मतलब असल में इतना ज्यादा ठीक चल रहा है कि यकीन नहीं हो रहा है कि सब कुछ इतना बेहतरीन कैसे हो सकता है। अब देखो हाल ही में इंडिया और नीदरलैंड का मैच खेला जाता है, हम सोचते हैं कि और इससे अच्छा क्या होगा और हमें क्या सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, और क्या देखने को मिलता है कि साक्षात रोहित शर्मा और विराट कोहली बॉलिंग में आके विकेट ले रहे हैं। मतलब वर्ल्ड कप 2023 मानो हमसे ये कह रहा है कि भाई तू बैठ, भाई तू बस आराम कर, तुझे मैं क्रिकेट की दुनिया की वो तस्वीरें दिखाने वाला हूं कि आने वाले सैकड़ों हजारों करोड़ों साल तक तू खुश रहेगा ये सोच के कि वर्ल्ड कप 2023 में क्या क्या बवाल कटा था। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि भाई देखो सच में बैटिंग में पहले से सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, बॉलिंग में सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। बैटिंग में जहां रोहित शर्मा, गेल, केएल राहुल, अय्यर सब रन मार रहे थे, तो बॉलिंग में भी जडेजा हो गए, बुमराह हो गए, सिराज हो गए, शामी हो गए, कुलदीप हो गए, सब विकेट लेने में लगे हुए थे। तो मन में तो यही आएगा ना कि इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन रोहित शर्मा कहते हैं भाई हमने और ऊपर वाले ने कुछ अलग ही प्लान बना के रखे हैं, भाई सबको ओवर दे रहे हैं, गेल तुम भी ओवर डालो, सूर्या तुम भी ओवर डालो, कोहली आप तो डालो ही डालो और हम भी ओवर डालेंगे। लेकिन देखो कहीं ना कहीं कोहली और रोहित शर्मा ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि जब बात बैटिंग की आती है तो वहां भी भैया किंग लोग हम ही हैं, और जब बात आ जाएगी पार्ट टाइम बॉलिंग की ना तो वहां भी किंग लोग हम ही हैं। क्योंकि देखो ओवर तो बहुत लोग को दिए गए, सूर्या को भी, गिल को भी, रोहित को भी, कोहली को भी, लेकिन विकेट किसको मिले? सिर्फ कोहली और रोहित शर्मा को। मस्त है यार, अपन को भी करने का है। बस मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि रोहित भाई अय्यर से क्या दुश्मनी है, उसको बॉलिंग क्यों नहीं दी? आपने गिल को दे दी, सूर्या को दे दी, जो असल में कभी भी बॉलिंग नहीं कराते हैं, लेकिन अय्यर भाई तो सच में बॉलिंग करा लेते हैं, सच में पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। लेकिन रोहित भाई ने कहा होगा अरे अय्यर तुम रन बहुत मारे हो, आराम से फील्डिंग करो, वरना हमारे नाम भी एक रिकॉर्ड हो जाता कि कीपर को छोड़ के सारे प्लेयर्स बॉलिंग डाल दिए होते। वो तो कहो सिर्फ कीपर ने नहीं डाली और अय्यर ने नहीं डाली, उसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है कि पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि 9 बॉलरों ने बॉलिंग डाली हो। वर्ल्ड में असल में बराबरी करी गई है कि इससे पहले दूसरी टीम के नाम था कि मैक्सिमम 9 बॉलरों ने बॉलिंग डाली हो, लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने कहा हम भी बराबरी करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर गलती से भी अय्यर को बॉलिंग दे दी होती तो यह रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता कि एक मैच में कीपर को छोड़ के सारे लोगों ने बॉलिंग करी हो, क्योंकि इससे पहले क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा कि जो असल में हो रहा है इस वर्ल्ड कप में वो भी इससे पहले इंडियन क्रिकेट क्या वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में कहां ही हुआ है। भाई सारे मैचेस इंडिया ने जीत लिए हैं, 9 के 9 मैचेस जीत लिए हैं, बस अब वक्त है उन 2 मैचेस को जीतने का। उन 2 मैचेस को रोहित भाई जीत जाओ और ये जो लगातार खुशी दिए जा रहे हो इस खुशी को उस चरम लेवल पे पहुंचा दो कि जैसा मैंने कहा कि आने वाले लाखों करोड़ों साल तक हम ये सोच के खुश होते रहे कि भाई वर्ल्ड कप 2023 में क्या मजा आया था। तुमको पता है कल के दिन रवि शास्त्री एक थोड़ा सा अजीबोगरीब स्टेटमेंट देते हैं कि अगर भारत ये वर्ल्ड कप 2023 नहीं जीता ना तो आप ये मान लीजिए कि आने वाले लगभग 3 जो वर्ल्ड कप होंगे वो भी इंडिया नहीं जीतेगा। क्योंकि रवि शास्त्री का मानना है कि इस टीम में एक साथ जितने प्लेयर्स अपने पीक फॉर्म में चल रहे हैं ना, ऐसा ना ही किसी भी टीम के इतिहास में हुआ है और आने वाले वक्त में ना ही इंडियन क्रिकेट में ऐसा होगा कि एक साथ इतने प्लेयर इतने जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हों। और देखो ये लोग भाई अलग ही लेवल के प्लेयर हैं, आप इनके स्टैट्स उठा के देखिए, गिल की एवरेज 60 के पार है, आपके कोहली हो गए 55 के पार एवरेज चल रही है, रोहित भाई हो गए 50 करीब एवरेज है करियर की, उसके अलावा अय्यर भाई हो गए, राहुल भाई हो गए, सबकी 48-50 की एवरेज है। मतलब टॉप के जितने बैट्समैन है सबकी 48-50-60 की एवरेज है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है भाई क्रिकेट के इतिहास में। और उसके बाद जो आपके ऑलराउंडर्स भी आते हैं, जडेजा मतलब वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट फील्डिंग, बेस्ट बैटिंग, बेस्ट बॉलिंग एक इंसान के अंदर। उसके अलावा कहो हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए, वरना वो बंदा भी ऐसा है कि समझ में नहीं आता है कि बैटिंग ज्यादा अच्छी करता है या बॉलिंग ज्यादा अच्छी करता है। और अगर अब आ जाओ बॉलिंग पे, भाई आपके कुलदीप यादव एक नंबर के बॉलर, सिराज तो नंबर 1 रैंक के बॉलर बने हुए हैं, शामी क्या बवाल काट रहे हैं वर्ल्ड कप में हम सबको पता है, और बुमराह क्या चीज है हम सब जानते हैं। तो बात यहां पे रवि शास्त्री की देखो गलत नहीं है कि एक साथ इतने बेहतरीन प्लेयर्स एक ही टीम के अंदर आने वाले बहुत सालों तक बहुत ही मुश्किल होगा कि आए। क्योंकि पता है सत्य क्या है
कि इसके कंपैरिजन में सिर्फ 4 या 5 प्लेयर्स भी इतने बेहतरीन फॉर्म वाले ना किसी भी टीम के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि इतने पीक फॉर्म वाले सिर्फ 4 या 5 प्लेयर्स भी एक टीम के अंदर खेल रहे हों। और भाई विराट कोहली का तो इस समय इतना अलग ही लेवल का भौकाल चल रहा है ना, हमेशा से चलता रहा है, लेकिन अभी तो इतना अलग ही लेवल का भौकाल चल रहा है कि कल के दिन यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, वो मंगाते हैं विराट कोहली का बल्ला कि भैया हमको विराट कोहली का बैट दे दीजिए उनकी ऑटोग्राफ के साथ, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि क्या है साला इस बल्ले में, कि ये बंदा रन मारता रहता है। बाकी देखो खुशी की बात ये है कि कल के दिन विराट कोहली जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के हाईएस्ट रन गेटर भी बन गए हैं। उम्मीद करते हैं कि जब भारतीय टीम उस वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी को उठा रही हो तो कोहली भैया हो जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन रहे हो। बाकी तुमने भी कल के मैच में एक चीज तो जरूर नोटिस करी होगी कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली बॉलिंग पर आए ना तो सिर्फ हम नहीं चौके थे, सिर्फ हमें खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि जब विराट कोहली बॉलिंग के लिए आते हैं तो अनुष्का शर्मा चौक जाती हैं, और जब विराट कोहली को विकेट मिलता है भैया अनुष्का शर्मा इतनी ज्यादा खुश हो रही थी ना कि मतलब उतनी खुशी उनको किसी मूवी के ब्लॉकबस्टर होने पे नहीं हुई होगी, क्योंकि वो भी भाई सोच रही थी कि कोहली भाई बॉलिंग में आके विकेट, वो भी वर्ल्ड कप में, ये तो गजब ही हो रहा है भाई। और सेम टाइम पे जब रोहित शर्मा बॉलिंग के लिए आते हैं उनकी पत्नी हंसने लगती है कि ये हो क्या रहा है, ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है ये कहीं सपना तो नहीं है। और तुम्हें मैं बता दूं कि विराट कोहली ने पूरे 3572 दिन बाद ओडीआई में विकेट लिया है और रोहित शर्मा ने पूरे 3980 दिन बाद ओडीआई क्रिकेट में विकेट लिया है। यानी आसान भाषा में ये समझो कि इससे पहले इन दोनों ने विकेट तब लिया था जब इन दोनों के कप्तान नन अदर देन एमएस धोनी हुआ करते थे। वैसे एमएस धोनी से याद आया कि कल कितने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलती है, मतलब एक तरफ इंडिया की जीत, कोहली की बॉलिंग, रोहित शर्मा की बॉलिंग देख के तो खुशी मिल ही रही थी, लेकिन कल के दिन एमएस धोनी की एक फोटो सामने आती है, लेकिन खुशी असल में एमएस धोनी की फोटो देख के नहीं मिल रही थी, खुशी तो मिल रही थी धोनी के साथ में ऋषभ पंत को देख के। मतलब पंत भैया गए हैं धोनी के पास, कह रहे हैं कि धीरे धीरे अब फिट हो रहे हैं, बताओ अब कमबैक कैसे करना है, क्योंकि अलग ही लेवल पर जब इंडियन टीम खेल रही है तो हम भी इस इंडियन टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसे और अलग ही लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि पंत भाई जल्दी आए थोड़ा टेस्ट क्रिकेट में आके कीपिंग में हाथ बटाएं। हालांकि भैया कीपिंग में जो बवाल इस समय केएल राहुल काट रहे हैं एज अ विकेटकीपर, बैट्समैन बैटिंग में जो काट रहे हैं वो तो अलग ही लेवल का है, जाहिर सी बात है भाई। अभी रोहित शर्मा ने इसी वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बनाया था सबसे तेज शतक मारने का, राहुल भाई ने कहा कि वो कौन थे जो कहते थे कि हम टुकुर-टुकुर खेलते हैं, अब देखो ओडीआई क्रिकेट में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे सबसे तेज शतक मारने का, और सच में तोड़ भी देते हैं। पर सेम टाइम पे बंदा कीपिंग क्या सेक्सी कर रहा है, वो जो कोहली का विकेट था क्या कैच लिया था, ऐसा लग रहा है कि वैसे तो पंत जा रहे हैं धोनी के पास लेकिन अंदर ही अंदर केएल राहुल ट्रेनिंग ले रहे हैं धोनी से। लेकिन देखो भाई जब बात करी है केएल राहुल की तो बात करना बनता है श्रेयस अय्यर के बारे में भी, क्योंकि श्रेयस अय्यर की पिछली ये जो 2-3 पारियां आई है ना उससे जस्ट पहले अय्यर के ऊपर लोग कैसे टूट पड़े थे हम सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई था जो फुल सपोर्ट कर रहा था और ये तुम लोग भी जानते हो, बहुत लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि यार तुम बायस हो रहे हो, थोड़ा कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहे हो, तुमको ईशान किशन से दिक्कत क्या है, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो। भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर बैट्समैन है ईशान किशन, लेकिन मैं एक चीज पर टिका रहता था कि अय्यर भाई बहुत आसानी से बड़े बड़े स्कोर मार लेता है, ईशान किशन अच्छा खेलते हैं, मस्त हिटर है, लेकिन ईशान किशन के कंपैरिजन में मुझको अय्यर पे इस चीज का ज्यादा भरोसा आता है कि ये बंदा ज्यादा पारियों में बड़े बड़े स्कोर यहां पे खड़े कर सकता है, 80 रन के 90 रन के, और उस बंदे ने ऐसा करा है। देखो भले ही कल के दिन उसने शतक मार दिया, लेकिन अय्यर के अगर आप सारे हाईएस्ट स्कोर्स उठा के देखेंगे ना तो ऐसी बहुत सी पारियां हैं जो 82 रन की है, 85 रन की है, 88 रन की है, जो उसने चेस करते हुए बनाई है, तो इसीलिए मुझे लगता था कि अय्यर पे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा मैं करूं। और देखो सिर्फ मेरी बात नहीं है, इवन वर्ल्ड कप की शुरुआत से रोहित शर्मा ने भी ये स्टेटमेंट क्लियर रखा है सबके सामने कि मुझे अय्यर पे बहुत भरोसा है, क्योंकि बंदा इंजरी से आया, रोहित शर्मा ने कहा कि ईशान किशन आप भले ही फॉर्म में चल रहे हैं लेकिन आपको बाहर जाना होगा क्योंकि मुझे अय्यर को खिलाना है, और वो भरोसा देखो क्या मस्त रंग ला रहा है, बस ये जितने भरोसे हैं ये फाइनल तक रंग लाए, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। ऐसे भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है ना एकदम सच सच बताना, कि किस किस ने कल के दिन दिवाली के अवसर पे रोहित शर्मा और कोहली को लाइव बॉलिंग करते हुए देखा होगा, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत लोग बिजी रहे होंगे, पूजा वगैरह चल रही होगी, पटाखे वगैरह फोड़ रहे होंगे, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कई लोग को शायद मैच के बाद पता चला हो कि भाई मैच में कोहली और रोहित ने बॉलिंग कराई है, लेकिन तुम्हारा भाई मैच देख रहा था, बढ़िया बैलेंस बना के रखा हुआ था दिवाली और मैच
के बीच, क्योंकि अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि कुछ तो यहाँ पे बवाल कटेगा। खासकर जब सिराज इंजर्ड होकर पवेलियन के बाहर चले गए थे, मैदान के बाहर चले गए थे, तब तो अंदर ही अंदर एक फीलिंग आ रही थी कि यहाँ तो कोहली भाई बॉलिंग डालने वाले हैं। और रोहित शर्मा ने कहा, आपको भैया बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, कोहली क्या हम भी ओवर डालेंगे, गिल से भी करवाएंगे, सूर्या से भी कराएंगे। और भाई देखो एक बात बताऊं, तुम सुन के चौंक जाओगे कि विराट कोहली की वर्ल्ड कप 2023 में सबसे बेहतरीन बैटिंग एवरेज तो चल रही है, ये तो शायद तुमको पता होगा, लेकिन विराट कोहली की वर्ल्ड कप 2023 में दूसरे नंबर पे सबसे बेहतरीन बॉलिंग एवरेज भी चल रही है। जी हाँ, वैसे इन केस अगर तुमने विराट कोहली की बॉलिंग में उनका विकेट मिस कर दिया था तो जाहिर सी बात है अब तक विकेट तो देख लिया होगा, लेकिन विराट कोहली के विकेट लेते ही वहां मैदान में जो माहौल बना था ना, वो तुमने नहीं देखा होगा, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, तुम समझ जाओगे कि विराट कोहली जब विकेट लिए थे तो भाई नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया था लोगों का एक्साइटमेंट। खैर, अपनी बात को अंत करने के लिए मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि देखो अब भी बहुत अच्छे से यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सच में इंडियन टीम के साथ हो रहा है, क्योंकि भाई यकीन करने वाली चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम ये बिलीव करना चाहते हैं कि भाई ये जो भी हो रहा है ना, ये वर्ल्ड कप 2023 के अंत तक हो, कुछ भी करके इस बार भारतीय टीम वर्ल्ड कप उठा ले, क्योंकि इस बार कोई नाटक हुआ ना तो भाई मैं सह नहीं पाऊंगा। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को ये यकीन है कि इस बार कोई भी नाटक नहीं होने वाला है, वर्ल्ड कप हमारे घर आने वाला है, जिसको भी यकीन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।